शिवपुरी में जहां प्रार्थिया के पुत्र अभिषेक गोस्वामी की अश्लील वीडियो बनाकर अवैध रूप से रुपयों की मांग करने और पैसे न देने पर उससे जबरदस्ती भवन की लिखा पढ़ी कर अपने पक्ष में करवाने का मामला सामने आया है। महिला रश्मि सेन द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से पुलिस थाना फिजिकल में झूठी रिपोर्ट करवाई गई है। उसकी निष्पक्ष जांच कराए जाने एवं प्रार्थिया व परिवार के सदस्यों की जान माल की रक्षा किए जाने एवं संबंध में प्रार्थिया द्वारा 18 अप्रैल को लिखित में संबंधितों को आवेदन पत्र दिया गया था, जिस पर प्रार्थिया के बयान हुए थे, जिसकी जानकारी आरोपी गणों को लगने के बाद आरोपी गणों द्वारा रिपोर्ट वापस लेने एवं घर खाली करने का दबाव बनाने मना करने पर जान से मारने की धमकी दिए जाने के डर से आज फिर SP ऑफिस में आकर एक बार फिर SP को गुहार लगाई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? निशा गोस्वामी। कहाँ से आई हैं आप? दर्पण कॉलोनी से। आप SP ऑफिस में आई हुई हैं, क्या कुछ मामले को लेकर आप SP ऑफिस आई हैं? मेरे बेटा तो डंडा बैंक उल्टा सीधा ब्याज पे पैसे देते थे, तो मेरे बेटे को धमकी दी जा हम लोगों को धमकी दी जा रही है कि मकान खाली करिए और पैसे लेते गुंडे आ रहे हैं, मकान खाली करिए, पैसे दे रहे, पैसे मांग रहे हैं। कौन लोग हैं जो आपके घर आके आपको परेशान कर रहे हैं? शक्ल से पहचान सकते, नाम से नहीं, अब क्योंकि नए नए तरीके आ रहे हैं। आपने पूर्व में भी ये शिकायत की थी, क्या हुआ उसका? उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, और आवेदन पे जैसे आपने लिखा है कि आपको मारने की धमकी दे रहे हैं और जो शिकायत आपने की है वो वापस लेने की धमकी दे रहे हैं, इसका वापस लेने की धमकी दे रहे हैं कि आप वापस कंप्लेन करिए, आपकी पुलिस भी कोई कुछ नहीं कर सकती, हम तो पैसे दे के सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आज आप SP ऑफिस आए तो आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ जो मिला है कि आप अपने बेटे को बुलवाइए, कौन है ऐसा मारने वाला, उनको देखते हैं हम कौन है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।